रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फाइन। ओके, सबको इस्लामियात क्लास में खुशामदीद। नर्सरी क्लास, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक नेम है हमारा मजहब। क्या? हमारा मजहब। और हमारे मजहब है, हमने दो क्वेश्चन जो है वो लर्न किया है। सो थोड़ा सा अपना पिछला टॉपिक जो है वो रिवाइज करते हैं, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 को लर्न करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि हम सबको किसने पैदा किया है, हम सबको किसने पैदा किया है। तो आप लोगों को पता है कि हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। इसका आंसर क्या था? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें किसने पैदा किए हैं? सारी चीजें मतलब सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, दरख्त, ये सारे जो है ये सब के सब अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अच्छा, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन था वो है अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं। सो इसको क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को इस बात पे यकीन है, ट्रस्ट है कि अल्लाह ताला जो है वो एक है और इसके साथ इबादत के कोई लायक नहीं, इसके साथ इबादत के कोई शरीक नहीं, सो इस जो इस बात पे यकीन रखते हैं वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग हैं। वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग हैं। जो मुसलमान बंदे हैं ना, तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, सब के इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम मुसलमान कहते हैं। और उसको ये अकीदा भी है कि अल्लाह ताला के साथ इबादत के कोई शरीक नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। किसकी इबादत करनी चाहिए? अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। तो वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान लोग हैं। कौन से लोग हैं? मुसलमान लोग हैं। और मुसलमान लोग कौन से हैं? जो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कितनी बार नमाज पढ़ते हैं दिन में? तो दिन में 5 बार वो जो है नमाज पढ़ते हैं। और कौन कौन से टाइम पे पढ़ते हैं? फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा। कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। तो अपने न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं। न्यू टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लर्न करेंगे, जो आपकी इस्लामियात बुक में पेज नंबर 3 पे है। आज हम लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन इस्लामियात बुक पेज नंबर 3। ऑन पेज नंबर 3 दो क्वेश्चन जो है वो हमारे हो गए हैं, और अभी जो है नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3, हम सब कौन हैं? क्वेश्चन क्या है? हम सब कौन हैं? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो सबके अलग अलग अकीदे हैं, सबके अलग अलग जो है मजहब है, तो हम सब कौन हैं? तो हम सब मुसलमान हैं। कौन है? हम सब मुसलमान हैं। प्योर मुस्लिम, वी आर मुस्लिम। हम सब कौन हैं? कोई आपसे पूछे कि हम सब कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे? हम सब मुसलमान हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। मेरे साथ रिपीट करें, हम सब कौन हैं? हम सब मुसलमान हैं। तो आप लोगों को पता है कि मुसलमान कौन से लोग हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला को एक मानते हैं, तो इसको उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम मुसलमान कहते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। अगर अभी जो है कोई बंदा जो है वो इबादत नहीं करता, जो कलमा भी नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला को एक मानता भी नहीं है, तो फिर वो मुसलमान बंदों में इसको शुमार नहीं होते।
उसको हम मुसलमानों में काउंट नहीं करते क्योंकि वो अल्लाह ताला को एक मानते नहीं है, वो इसकी इबादत नहीं करते, तो नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर वो जो है वो गैर मुस्लिम लोग है, वो फिर काफिर बनते हैं। तो जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला और इसकी रसूल को एक मानते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के प्यारे नबी और रसूल है, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम मुसलमान कहते हैं। पिक्चर में आप लोग को नजर आ रहे हैं ना? अच्छा, मुसलमान लोग जो है वो क्या करते हैं? वो जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, जो चीजें अल्लाह ताला ने इसको दी है वो इस पर जो है अल्लाह ताला का शुक्रिया वो हर टाइम अदा करते हैं। मुसलमान लोग जो है वो अच्छे काम करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जब उन लोग को कोई चीज की जरूरत हो तो वो इसको देते हैं। तो ये सारे बातें जो है कौन से लोगों में मौजूद होते हैं? ये सारे जो है ये मुसलमान लोगों में मौजूद होते हैं। तो पिक्चर को देखो, इसमें क्या लिखा है? वी से अल्हम्दुलिल्लाह, वी से अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब वो खाना खाते हैं ना तो क्या करते हैं? वो अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने जो उनको जो नेमती दी है ना खाना खाने के लिए, जो चीजें दी है, तो वो इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये कौन से लोग कहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग कहते हैं। मुसलमान लोग जो है वो एक दूसरे के साथ झगड़े भी नहीं करते। आप भी अच्छी बच्ची है ना, अब झगड़े करते हो? नो, वेरी गुड। तो आप लोग जो है आप भी मुसलमान हैं, तो ये सारे जो है ये सारी बातें जो है ये मुसलमान लोगों में मौजूद होती है। कौन से लोगों में? मुसलमान लोगों में मौजूद होती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हम सब कौन है? हम सब मुसलमान हैं। हम सब कौन है? हम सब मुसलमान हैं। अच्छा, मुसलमान लोग जो है वो क्या करते हैं? हेल्पिंग ईच अदर। ये देखिए पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रही है, ये देखिए बच्चे जो है वो तेला नहीं उठा सकते, तो इसकी वो बड़ी जो है सिस्टर जो है ये इसके साथ तेला जो है इसके साथ हाथ में है और वो उठा रही है। तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, बच्चों को देखिए वो क्या कर रहे हैं? वो एल्डर की रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। तो ये सारे बातें जो है कौन से लोग करते हैं? ये सारे के सारे मुसलमान लोग करते हैं। तो ये सारे के सारे मुस्लिम हैं और मुसलमान लोग जो है वो अच्छे काम करते हैं, वो बुरे काम नहीं करते। क्या करते हैं? वो बुरे काम नहीं करते, बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जब उनको कोई चीज की जरूरत हो तो वो उसको देते हैं। तो ये सारे जो है कौन से लोग हैं? मुसलमान लोग हैं। मुसलमान लोग क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। और वो क्या मानते हैं? उसका मजहब जो है वो क्या है? इस्लाम है। देखिए पिक्चर में आप लोग को नजर आ रहे है ना, इस के हाथों में जो पेजेस है इसमें क्या लिखा है? इस्लाम। सो जो मुसलमान लोग हैं इसका मजहब क्या है? इसका मजहब जो है वो इस्लाम है। क्या है? इस्लाम है। तो इस्लाम में आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं? हम जो है नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सो ये सारे के सारे कौन से लोग करते हैं? मुसलमान लोग करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो है किचन में एक बच्ची जो है वो काम कर रही है, किसके साथ? अपनी मामा के साथ, इसकी हेल्प करती है। तो ये क्या है? ये मुस्लिम है ना। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में देखो, ये बूढ़ी औरत जो है ये चल नहीं सकती, तो इस बॉय को देखो, इसने हाथ से पकड़ा है, ये इसकी हेल्प कर रही है। किसकी हेल्प कर रही है?
ये बूढ़ी औरत की हेल्प कर रही है। तो ये सारे जो है अ गुड मुस्लिम, क्या है ये? मुसलमान है। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर में देखो ये क्या कर रहे हैं, ये भी अच्छे काम कर रहे हैं। देखो प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये कौन से लोग हैं? ये मुसलमान लोग हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये बर्ड्स को देखो, ये सारे के सारे जो है ये कुछ खा रहे हैं। और किसने दी है? ये लड़की जो है इसके साथ खड़ी है, इसने इसको दाने दी है और वो खा रही है। सो कौन से लोग हैं? ये मुसलमान लोग हैं। किसकी क्वांटिटी है ये? ये मुसलमान लोगों की बातें हैं कि वो एक दूसरे की मदद करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। वो अल्लाह ताला को एक मानते हैं और इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम सबको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ये जो है ये कौन से लोग हैं? ये सारे के सारे मुसलमान लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने लर्न कर दिया कि हम सब कौन हैं? तो हम सब मुसलमान हैं। कौन से लोग हैं हम? हम सब मुसलमान हैं। ओके बच्चे, इस्लामियात में जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों की होमवर्क है। लर्न क्वेश्चन नंबर 2 एंड बुक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। ये आप लोगों की होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों की होमवर्क है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से सुन लूंगी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक क्या है? हमारा मजहब। और हमारा मजहब में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है। कौन सा? अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं? ये आप लोगों का ओरल होमवर्क है, जुबानी। समझ आ गई? आप लोगों ने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक ऑन पेज नंबर 3 इन इस्लामियात बुक। कहाँ पे? इस्लामियात बुक में। ओके, एनी क्वेश्चन? रेज योर हैंड। समझ आ रही है मेरी बात की? क्वेश्चन की समझ आ गई है कि हम सब कौन है? हम सब मुसलमान है। अभी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन करनी है तो हाथ उठाए। जी अब्दुल गफार, क्वेश्चन करें। क्या क्वेश्चन है आपका? जी सुनाए, हम सब कौन हैं? बिगा हो गए माँ, समझ आ गई? सबको समझ आ गई? हाथ उठाए, किसी को क्वेश्चन क्यों हो तो वो कर ले। शाबाश, एनी क्वेश्चन? जी मास, एनी क्वेश्चन? दोबारा समझा दो, हम सब कौन है? मेरे साथ रिपीट करें, हम सब मुसलमान है। मास मोहम्मद मास खान। जी बच्चे, आपका क्या क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? अब तो मुसलमान है। हम सब कौन है? हम सब कौन है? वेरी गुड। अगेन, हम सब कौन है? वेल डन, हम सब मुसलमान है। कौन है हम सब? मुसलमान है। और मुसलमान कौन से लोग हैं? अच्छे कि बुरे? हुज़ैफ़ा बच्चे क्वेश्चन करें। नहीं
हम सब कौन है? हम सब मुसलमान। वेरी गुड, हम सब मुसलमान हैं। ओके, अभी जो है अपना टॉपिक जो है वो फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।